नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर, हाइपो इज 10 सेंटीमीटर. बेस हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, हाइपो हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर. वी आर टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. कितना आएगा यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम? दिस इज 100, पी हमने निकालना है, दिस इज 64 हो जाएगा. कितना आया? पी स्क्वायर 36, यानी कि पी इज 6. अब पी 6 है आपके पास, सो यू कैन फाइंड आउट इट्स एरिया. कितना आएगा सॉल्व करके? हाफ इंटू 6 into 8, दैट इज 24. अगेन आई एम टेलिंग यू, वेन एवर यू विल बी मार्किंग द करेक्ट ऑप्शन, डू चेक द यूनिट्स ऑल्सो. ठीक है, एरिया की यूनिट है तो इट शुड बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर. 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, बोथ ऑप्शन कैन बी देयर. तो एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर वाली ऑप्शन को यू विल टेक. क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. The perimeter of an equilateral triangle is 60 meter. Find its area. Equilateral triangle का perimeter आपको given है 60 meter. You are to find its area. हाँ जी, perimeter 60 है तो one side कितनी आ जाएगी इसकी? 60/3, यानी कि 20. अब निकालना क्या है इसका? Area. Area of equilateral triangle का direct formula क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर. सो दिस विल बी, लगा सकते हैं, यू कैन यूज द हीरोन्स फॉर्मूला ऑल्सो. सो दिस विल बी 100√3 meter square. हाँ जी, एनी डाउट एनीवन? चलें अगले पे. If the sides of a triangular board are 56 centimeter, 60 centimeter and 52 centimeter. 56, 60 and 52. Find its area. Hirons formula lagega. Nikalo jaldi se, calculations karo aur batao. What will be the semi perimeter? Hanji? 60, 56 and 52. This is 52. Semi perimeter 84. Okay. Now area is equal to 84. S into S minus A. S minus B. S minus C. क्या आएगा minus करके? 28. Next. आप बताइए. 84 can be written as 3 into 28. तो ये 28 two times हो गया. अब 24 को लिखो. 3 into 8 लिख सकते हैं. 3 two times हो गया. 32 can be written as 8 into 4. 8 भी two times हो गया. 4 is already a perfect square. तो जब आप रूट से बाहर लोगे, दिस विल बी 3 into 28 into 8 into 2. मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आंसर आएगा. 48 into 28 1. हाँ जी, 1344. सो दिस विल बी योर आंसर, 1344. सो अगेन सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द यूनिट. डन. नाउ द नेक्स्ट वन. The area of an equilateral triangle with side 2√3. अभी किया है हमने इस तरह का. एरिया निकालना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का जिसकी साइड 2√3 आपको गिवन है.
टू रूट थ्री यूनिट्स इज गिवन. हाँ जी, एरिया निकालने सीधा फॉर्मूला लगेगा क्या? अगर फॉर्मूला नहीं याद है, गलत नहीं करना, हीरोन्स फॉर्मूला से कर लेना उसको. यहाँ पे भी मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, टू टू सा फोर कर देते हैं, रूट थ्री का स्क्वायर नहीं करते. आपने इस चीज का ध्यान रखना है, टू का भी स्क्वायर और रूट थ्री का भी स्क्वायर. हाँ जी, क्या आएगा? थ्री रूट थ्री. अब ऑप्शंस हैं आपके पास, थ्री रूट थ्री यूनिट स्क्वायर, थ्री रूट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर, थ्री रूट थ्री मीटर स्क्वायर. नन ऑफ दीज. यूनिट स्क्वायर, यहाँ पे यूनिट्स गिवन है तो यूनिट स्क्वायर वाली ऑप्शन आपने चूज करनी है, ये ध्यान रखना. नाउ द नेक्स्ट वन, द एजेस ऑफ अ ट्राइंगुलर बोर्ड आर 6, 8 and 10. 6 centimeter, 8 centimeter एंड 10 centimeter गिवन है. If the cost of painting it at the rate of, find the cost of painting it at the rate of 9 paise per centimeter square. क्या करेंगे? एरिया निकाल के उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? कॉस्ट कितनी लेके चलोगे? 9 पैसा है तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे. रुपीस में निकालने के लिए 0.09, सो दिस इज इक्वल टू 9/100 रुपीस पर सेंटीमीटर स्क्वायर. चलो एरिया बताओ क्या आएगा. सेमी पेरीमीटर, एरिया S into S minus A, S minus B, S minus C. अब 12 को मैंने स्प्लिट कर दिया 2 into 6, 4 ऑलरेडी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 times 2 आ रहा है. हाँ जी, 2 into 6 into 2, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो मल्टीप्लाई दिस विद 0.09 एंड टेल मी द आंसर. ₹2.09 विल बी योर आंसर. इसको आप 0.09 से मल्टीप्लाई कर दोगे फॉर फाइंडिंग आउट द कॉस्ट, सो योर आंसर विल बी ₹2.16. क्लियर? चले आगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एरिया ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल यू आर टू फाइंड आउट हूज बेस इज 2 centimeter. कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. बेटा पास हो रहा है. ओके, अभी स्लो करवा देती हूँ मैं. एरिया ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल हैविंग बेस 2 centimeter एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइड्स एज 4 centimeter. We are to find the area of an isosceles triangle whose base is 2 centimeter and length of one of the equal sides as 4 centimeter. Statement clear है? क्या बनेगी figure? Isosceles triangle बनाएंगे. ये क्या आएगा? Side base is 2 centimeter and the one of the equal sides is 4. अगर ये 4 है तो ये भी 4 आ जाएगी. ठीक है, अब क्या करना है हमने? इसका एरिया फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे? सेमी पेरीमीटर, 4 + 4 + 2/2, तो दैट इज 5. नाउ एरिया 5 × 5 × 5 − 4, 5 − 4, 5 − 2, सो रूट 15 centimeter square will be your answer. So done.
अब इसी में इफ यू आर टू फाइंड द हाइट ऑफ इट्स एल्टीट्यूड देन व्हाट विल यू डू. आपके पास एरिया आ गया, एरिया का फॉर्मूला लगा दोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस आपको टू गिवन है तो हाफ इंटू टू इंटू एच आपने निकालना है. रूट टू से रूट टू आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, सेंटीमीटर. ठीक है, क्लियर. तो एरिया के साथ साथ इसी तरीके से एल्टीट्यूड या हाइट भी आपकी निकालनी आ सकती है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वेयर. अब आपको एरिया गिवन है एंड यू आर टू फाइंड इट्स पेरीमीटर. एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वेयर. फाइंड इट्स पेरीमीटर. एरिया गिवन है, क्या फॉर्मूला होता है, साइड आ जाएगी. इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या आएगा फॉर्मूला. रूट थ्री से रूट थ्री कैंसल आउट हो गया, साइड स्क्वायर कितना आ गया, 16 × 4 = 64. तो साइड कितनी आ गई, 64 का रूट यानी कि 8. ठीक है, अब साइड आ गई तो पेरीमीटर क्या आएगा. सो पेरीमीटर विल बी 3 × 8 24 सेंटीमीटर. Done. Now the next. ये भी सेम है, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग एन एरिया ऑफ 9√3. तो ये अब हम दोबारा डिस्कस नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट है, द बेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर. बेस गिवन है 16 सेंटीमीटर, हाइपो 34 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स एरिया, सिंपल है ये भी. हाँ जी, परपेंडिकुलर निकाल लोगे. यू आर गिवन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद बेस 16, हाइपो 34. फाइंड इट्स एरिया. परपेंडिकुलर बताइए कितना आएगा. डू द कैलकुलेशंस. ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो गिव द रिस्पॉन्स. ओवरऑल माइनस करके 900, दैट इज 30. तो आपके पास परपेंडिकुलर आ गया 30. नाउ यू कैन फाइंड आउट द एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड. कितना आएगा, 240. इसी का अगर साथ में वो पेरीमीटर पूछते हैं देन सम ऑफ ऑल साइड्स. आपने पहले परपेंडिकुलर निकाल लिया, तीनों साइड्स को ऐड कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर. नाउ द नेक्स्ट इज, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल इज 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपो. एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल इज गिवन, यू आर टू फाइंड इट्स लेंथ ऑफ हाइपो.
एरिया आपको गिवन है 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है, तो दिस इज ए, दिस इज ए. एरिया आपको गिवन है, ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, 24.5 × 2, 49. ए कितना आ गया, 7. नाउ यू आर टू फाइंड इट्स हाइपो. कहाँ, हाँ कितना आएगा, दैट विल बी, जब भी साइड्स आपकी सेम है, हाइपो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, दैट विल बी ए रूट टू. ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 7√2. 7 का स्क्वायर 49 प्लस 49, 98 आ गया. 98 कैन बी रिटन एज 49 × 2, तो 49 क्या आता है आपका. तो जब भी ये राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस आपके सेम है, हाइपो निकालना है, तो जो साइड की वैल्यू गिवन है रूट टू साथ में लगा दो हाइपो निकालने के लिए. ठीक है, तो ये मतलब शॉर्टकट्स हैं जो आपका टाइम सेव कर सकते हैं कैलकुलेशंस करने से. हाँ जी, क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन था, आपको हाइपो निकालना था, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल गिवन था. तो एरिया 24.5 गिवन था, राइट ट्राइंगल थी, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड कर दिया, ट्राइंगल आइसोसेलेस थी, तो बेस और परपेंडिकुलर सेम थे. यहां से इसकी साइड आ गई, यानी कि परपेंडिकुलर ले लो या बेस ले लो, 7 आ गया. अब ये साइड 7 आ गई, हाइपो आप निकाल सकते हैं. ठीक है, चलिए बच्चे आगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 3, 4 and 5 centimeters, ये आप ओरली मुझे बता सकते हो. साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 3, 4 and 5, फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड. लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड, 3, 4, 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में दिस विल बी द हाइपो, लॉन्गेस्ट साइड है, दीज टू विल गिव यू द परपेंडिकुलर एंड बेस, इनमें से जो शॉर्टेस्ट वाला है दैट इज 3 centimeters, तो शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड विल बी 3. नो नीड टू डू एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन. If each side of a triangle is doubled, then the area is increased by. हर साइड को आप डबल कर दोगे अगर, तो एरिया कितने परसेंट से इंक्रीज होगा. साइड पहले आप ले लो ए, बी एंड सी, क्योंकि हमें ट्राइंगल की टाइप नहीं गिवन है, उसका एरिया निकाल लो और उसके बाद साइड्स को डबल कर दो. Then you see that how much times your this area will increase, by how much percent the area will increase. कितना कह रहे हो? हाँ, हमें क्योंकि ट्राइंगल की टाइप नहीं गिवन है, तो हम एक स्केलिन ट्राइंगल लेंगे. इसमें साइड्स ए बी सी, अब इसका एरिया मैंने ये करवाया हुआ है क्वेश्चन, या आई थिंक किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था, ये एरिया आ गया. क्वेश्चन है, इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इफ ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज डबल्ड, देन इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 100%, 200%, 300% और 350%. एरिया ये आ गया. अब वो क्या कह रहे हैं, ईच साइड इज डबल्ड. ईच साइड इज डबल्ड मीन्स 2a, 2b and 2c, तो वट विल बी द एरिया, न्यू एरिया क्या आएगा, न्यू एरिया क्या आएगा,
इसका पेरी सेमी पेरीमीटर निकालना क्या आएगा? ये ठीक है, यानी कि ट्वाइस ऑफ द प्रीवियस वाला जो आपका, एक को मैंने कैपिटल एस से डिनोट किया, एक को स्मॉल से किया ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको। तो 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एस इज इक्वल टू 2s आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि मेरा जो अब फॉर्मूला s इंटू एस माइनस टू ए एस माइनस टू बी एस माइनस टू सी बनना था, उसमें मैं s को रिप्लेस कर सकती हूँ इस वाले 2s, कर सकते हैं क्या आ जाएगा यहाँ पे? मैं डिफरेंट वो ले लूं इनसे, अगर ऐसे कंफ्यूजन हो रही है, इसके लिए s ले लेते हैं स्मॉल, ठीक है। इसका जो सेमी पेरीमीटर है मान लो मैंने p से डिनोट कर दिया। अब p और जो पहले वाला पेरीमीटर था सेमी पेरीमीटर, उसका ट्वाइस अगर मैं करूं, पहले वाले सेमी पेरीमीटर का अगर मैं ट्वाइस कर दूं तो दैट इज इक्वल टू p पेरीमीटर के इक्वल, न्यू वाले सेमी पेरीमीटर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये पुराने वाला एरिया है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये न्यू वाला एरिया है आपका, यानी कि सेमी पेरीमीटर p माइनस टू ए p माइनस टू बी p माइनस टू सी। गॉट माई पॉइंट? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब ये p किसके इक्वल है, क्योंकि मुझे एरियाज को कंपेयर करना है, तो इस p को भी मैं किस फॉर्म में लिख लूंगी, 2s की फॉर्म में, इस वाले s की फॉर्म में लिख लूंगी। p किसके इक्वल है? 2s के, तो यहाँ रिप्लेसमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2s 2s माइनस टू ए 2s माइनस टू बी 2s माइनस टू सी, ठीक है। न्यू वाला एरिया क्या आ जाएगा आपका, 2 यहां से भी 2 बाहर, यहां से भी 2 बाहर, यहां से भी 2 बाहर, कितने टाइम्स 2 आ रहे हैं, और बाकी क्या रह गया, s s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, इसको 4 टाइम्स है, बाहर लोगे कितने टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा। तो न्यू एरिया इज 4 टाइम्स क्या, ये स्टेप दिख रहे, चलो मैं ये दोनों स्टेप्स उधर लिख देती हूँ। आई एम रेजिंग द फिगर, यहां तक दिख रहे ये स्टेप्स, दो वाले ये दोनों मैं दोबारा लिख रही हूँ यहाँ पे, यहां से 2 यहां से 2 यहां से 2 यहां से 2, 4 टाइम्स आ रहे हैं 2 आपका, कितना हो गया 16, लिख दूं इसको सीधा, और रह क्या गया, s s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, ठीक है। 16 रूट में से बाहर लोगे क्या आ जाएगा, 4, और ये क्या रह गया, s s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ओरिजिनल एरिया था उसको रिप्रेजेंट कर रहे है, यानी कि जब हमने साइड्स को ट्वाइस कर दिया, डबल कर दिया, तो एरिया कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ, 4 टाइम्स। बट हमें किसमें आंसर देना है, परसेंटेज में। अब इसकी परसेंटेज इंक्रीज की कैसे निकालोगे, इंक्रीज इन एरिया इज इन डिवाइडेड बाय परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हो, इंक्रीज इन एरिया 4a माइनस ए, ये इंक्रीज इन एरिया अपॉन में ओरिजिनल एरिया, परसेंटेज निकालना है तो 100 सी ए बाय। अब मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है कुछ के, ठीक है, ये क्लियर आ गया समझ कैसे की है, दिस इज द इंक्रीज इन एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया इनटू परसेंटेज, क्योंकि कन्वर्ट करना है तो इनटू 100, सो आंसर विल बी 300%। दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को, आपको गिवन था साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी, जो भी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल थी, इफ द साइड, वहां से उठो आप इस साइड आ जाओ लास्ट में, इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर डबल्ड देन इंक्रीज इन द
एरिया इज, और ऑप्शंस आपको परसेंटेज में गिवन है, यानी कि यू आर टू फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है दैट यू आर टू फाइंड. हमने क्या किया, साइड्स को मान लिया ए बी सी, क्योंकि ट्राइंगल हमें यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, तो हम उसको स्केलिन ट्राइंगल लेके चलेंगे, जिसको आप स्केलन भी बोलते हो, बट एक्चुअल प्रोनंसिएशन इज स्केलिन. तो स्केलिन ट्राइंगल आप लेके चलोगे, यानी कि ऑल द साइड्स विल बी डिफरेंट. सेमी पेरीमीटर, हिरोन्स फॉर्मूला से हम एरिया निकाल रहे हैं, फॉर द थ्री साइड्स वी आर गिवन. सेमी पेरीमीटर आ गया ए प्लस बी प्लस सी बाय टू. एरिया क्या आ गया ओरिजिनल वाला, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. हिरोन्स फॉर्मूला आपने लगा दिया. अब ईच एंड एवरी साइड इज डबल्ड, यानी कि साइड्स क्या क्या बन गई, 2a, 2b एंड 2c. पहले जो साइड a थी उसका डबल किया तो इट इज 2a, b का डबल 2b, c का डबल 2c. अब हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ए बी सी की कुछ भी वैल्यू हो जाए, तो अगर आप साइड डबल कर दोगे एवरी टाइम द एरिया विल बी इंक्रीज बाय 300%. सो साइड्स हमने यहाँ पे डबल कर दी. अब अगेन हमें इसे एरिया फाइंड आउट करना है, सो वी विल गो फॉर द हिरोन्स फॉर्मूला अगेन. फॉर दैट ये हमने सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट कर लिया, दैट इज गिवन बाय 2a प्लस 2b प्लस 2c बाय 2. ये 2 आपका कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया, व्हाट यू आर लेफ्ट विद a प्लस b प्लस c. और ओरिजिनल सेमी पेरीमीटर को अगर मैं देखूं तो a प्लस b प्लस c बाय 2 s था, तो ये वाला 2 इधर जाके a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या आ गई, ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल सेमी पेरीमीटर. तो न्यू पेरीमीटर इज ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर. ठीक है, अब यहाँ पे एरिया ऑफ न्यू आपका जो भी साइड्स हैं या न्यू ट्रायंगल है, अगर हम वो निकालते हैं यूजिंग हिरोन्स फॉर्मूला, तो सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस सेकंड साइड एंड सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड. तो सेमी पेरीमीटर हमने यहाँ पे पी से डिनोट किया है, पी किसके इक्वल है, 2s के. तो यहाँ पे पी की रिप्लेसमेंट कर दी 2s से, क्योंकि हमें एरियाज को कंपेयर करना है. सो हमने इनको एक वेरिएबल में ले लिया, एस ए बी एंड सी में. ए बी सी ऑलरेडी आपके पास थे, इस वाले पी को हमने रिप्लेस कर दिया 2s से, ताकि वेरिएबल्स हमारे सेम हो जाए. तो दिस इज 2s, 2s माइनस 2a, p माइनस 2b में p को रिप्लेस किया तो 2s माइनस 2b, p माइनस 2c में आपने p को रिप्लेस किया तो 2s माइनस 2c. यहाँ पे दोनों इस पूरे ब्रैकेट में दोनों टर्म्स में 2 2 कॉमन, यहाँ पे भी 2 कॉमन, यहाँ पे भी 2 कॉमन, यहाँ ऑलरेडी 2 है, तो एक 2 ये, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 2s आ गए आपके, यानी कि दिस इज 16. देन s into s minus a, s minus b, s minus c as it is. आपको पता है इफ यू आर हैविंग रूट ए बी दैट कैन बी रिटन एज रूट ए इंटू रूट बी. तो हमने इसको इसी फॉर्म में लिख दिया, रूट 16 इज 4 इंटू रूट बी की जगह s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिनल एरिया को. तो ये वाली वैल्यू यहां से हमने रिप्लेस कर दी, यानी कि जो न्यू एरिया आया आपका दैट इज 4 टाइम्स द ओरिजिनल एरिया. हमें इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ एरिया निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला आपने छोटी क्लासेस में किया हुआ है 7th-8th में, दैट इज द न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया इंटू 100. सो दिस इज 3a बाय 100 अपॉन a, a से a कैंसिल आउट होके 3 इंटू 100 दैट इज 300%. क्लियर, यहाँ पे साथ में परसेंटेज लगा देना जब हमने मल्टीप्लाई बाय 100 किया है, क्योंकि आपको पता है ये परसेंट हटाओगे तो अपॉन में आपका 100 बनता है. तो 300% इज योर आंसर. If any child is having any doubt regarding this, you can ask. Otherwise, we are having just 1 minute less left. So we won't go for the next question. If any doubt is there, you can ask.